हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स अप एवरीबॉडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ ग्रेट एस्केप वाटर पार्क और इसी के साथ आपको दूंगा इसकी पूरी इंफॉर्मेशन, जैसे कि वाटर पार्क तक कैसे आए, एंट्री फीस क्या होगी, लॉकर रूम के रेट्स क्या होंगे, ब्रेकफास्ट और लंच कैसा होगा और वाटर पार्क में आपको क्या क्या देखने मिलेगा। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर पूरा देखना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि ग्रेट एस्केप वाटर पार्क तक पहुंचना कैसे है। फ्रेंड्स, ग्रेट एस्केप वाटर पार्क विरार में लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स, आप जिस भी लोकेशन पे रहते हो वहाँ के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से सबसे पहले आपको विरार आना होगा। फ्रेंड्स, विरार वेस्टर्न लाइन में पड़ता है और मैं सेंट्रल लाइन में रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ने अपने लोकेशन से दादर गए और फिर दादर से हम लोगों ने विरार के लिए ट्रेन लिया। फ्रेंड्स, जैसे ही आप विरार स्टेशन पे पहुंचोगे वहां से आपको सीधा आगे आना है और आगे आने के बाद फ्रेंड्स आपको ईस्ट साइड में जाना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप ईस्ट साइड से बाहर आओगे आपको काफी सारे रिक्शा और बसेस देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, बसेस के लिए आपको थोड़ी पूछताछ करनी होगी जिसका कॉस्ट अराउंड 30-40 रुपीस होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप शेयरिंग रिक्शा से जाना चाहते हो तो 100 रुपीस पर पर्सन आपको चार्जेस देना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट स्टेशन के बाहर से आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप शेयरिंग रिक्शा से जाते हो तो स्टेशन के बाहर से ही बहुत ही इजीली आपको रिक्शा मिल जाती है, जो कि सीधा वाटर पार्क के एंट्रेंस पे आपको पहुंचा देगी। फ्रेंड्स, वाटर पार्क का डिस्टेंस स्टेशन से अराउंड 18-20 किलोमीटर है, जिसके लिए आपको इजीली 40-50 मिनट्स पहुंचने को लग जाएंगे। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग ग्रेट एस्केप वाटर पार्क के एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं। फ्रेंड्स, रिक्शा से उतरते टाइम एक बात जरूर याद रखना कि अगर वो रिक्शा आपको सही लगता है तो शाम को रिटर्न जाने के लिए आप लोग सेम रिक्शा वाले से बात करके चार्जेस वगैरह डिसाइड करके आप लोग उन्हीं को रिटर्न बुला सकते हो। फ्रेंड्स, जैसे ही आप लोग अंदर आते हो वैसे ही आपको राइट हैंड साइड में पार्किंग एरिया देखने को मिल जाता है। सिंपली फ्रेंड्स, आपको सीधे रास्ते को फॉलो करते हुए आगे तक आना है और जैसे ही आप आगे आओगे आपको वाटर पार्क का मेन एंट्रेंस देखने को मिल जाएगा और ठीक उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको टिकट काउंटर भी देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दूं तो इनके टिकट का प्राइस आप लोग इनके वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो, जो कि सैटरडे और संडे को 1250, मंडे वेनसडे फ्राइडे को 1000, ट्यूसडे को 850 और थर्सडे को 800 आपको देखने को मिल जाएगा। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग ने टिकट लेके एंट्री ले ली है और अब जानते हैं लॉकर रूम्स के लिए यहाँ पे क्या सुविधा है। फ्रेंड्स, लॉकर रूम के लिए आपको यहाँ पे 250 रुपीस भरना होगा, जिसमें 100 रुपीस रिफंडेबल डिपॉजिट होगा, जो कि रिटर्न जाने के टाइम पे आपको रिफंड कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, लॉकर की बात करें तो एक ठीक ठाक सा लॉकर आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आप लोग इजीली 3 बैग रख सकते हो। फ्रेंड्स, लॉकर रूम के ठीक बैक साइड में आपको इस जगह पे चेंजिंग रूम एंड वॉशरूम देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे 10:30 बजे पहुँच चुके थे। यहाँ पे आके हम लोग ने फ्रेंड्स चेंजिंग किया और चेंजिंग करने के बाद हम लोग को लगी थी भूख, तो हम लोग सबसे पहले नाश्ता करने गए। फ्रेंड्स, नाश्ते का टाइम 9:30 से लेके 11:30 बजे तक का है, जिसमें आपको जलेबी फाफड़ा, उपमा, इडली के साथ फ्रेंड्स सांभर और चटनी और चाय देखने को मिल जाता है, जो कि टेस्ट में काफी अच्छा होता है। फ्रेंड्स, नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए इस वाटर पार्क को एक्सप्लोर करने को। तो जानते हैं फ्रेंड्स कि इस वाटर पार्क में क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं तो फ्रेंड्स, बच्चों के लिए आपको यहाँ पे 2 किड्स पूल देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये वाला फर्स्ट पूल है और ठीक इसी के सामने आपको सेकेंड वाला पूल भी देखने को मिल जाएगा।
फ्रेंड्स एक अच्छी बात बताऊं तो किड्स लोग के साथ साथ आप लोग भी यहाँ पे बहुत एंजॉय कर सकते हो। फ्रेंड्स किड्स पूल को एंजॉय करने के बाद हम लोग चल पड़े यहाँ के स्लाइड्स को एंजॉय करने। फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर एरिया में आपको 6 स्लाइड्स देखने को मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको नंबर लगाना होगा और नंबर लगाने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ के सारे स्लाइड्स के मजे ले सकते हो। फ्रेंड्स जैसे ही आप इस एरिया के सारे स्लाइड्स को कवर करके आगे आओगे आपको यहाँ पे और 4 बड़े स्लाइड्स देखने को मिल जाते हैं। तो एक एक करके फ्रेंड्स इन स्लाइड्स का भी एक्सपीरियंस आपको दिखाता हूँ और उसके बाद फ्रेंड्स जानेंगे यहाँ के लंच के बारे में। फ्रेंड्स ठीक इन दो स्लाइड्स के लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक और स्लाइड देखने को मिल जाता है, तो यहाँ का भी एक्सपीरियंस जरूर ट्राई करना। फ्रेंड्स इस स्लाइड को एंजॉय करने के बाद आपको ये लास्ट वाली फनल टाइप की स्लाइड भी देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी स्लाइड है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल हम लोग ने यहाँ के सारे स्लाइड्स के एक्सपीरियंस ले चुके हैं और अब हम चलते हैं और करते हैं यहाँ का लंच। फ्रेंड्स यहाँ पे लंच का टाइम 1 बजे से लेके 3 बजे तक का है, जिसमें आपको मिक्स भाजी, पनीर की भाजी, दाल, राइस, श्रीखंड, पापड़, पूरी और छोले देखने को मिल जाते हैं। फ्रेंड्स लंच के साथ आपको यहाँ पे एक लाइव काउंटर भी देखने को मिल जाता है, जिसका टाइम फ्रेंड्स 11:30 बजे से लेके 5 बजे तक का है, जिसमें आपको फ्राइड राइस, नूडल्स, मंचूरियन ग्रेवी, उत्तप्पा और वड़ा पाव देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स लाइव काउंटर के बाद आपको यहाँ पे इवनिंग स्नैक्स का भी काउंटर देखने को मिल जाता है, जिसका टाइम 4:30 से लेके 5:30 तक का है, जिसमें आपको पाव भाजी और वेज बिरयानी भी देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स खाने में आपको यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी देखने को मिल जाती है, जो कि कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो भी सिर्फ टिकट के प्राइस में। फ्रेंड्स यहाँ के मील्स को एंजॉय करने के बाद मैं निकल पड़ा यहाँ के वेव पूल को एंजॉय करने, जो कि 12 बजे के बाद हर 1 घंटे में चालू होता है, जिसमें जाके आप यहाँ के वेव्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो। फ्रेंड्स वेव पूल को एंजॉय करने के बाद आप लोग यहाँ के रेन डांस को भी एंजॉय कर सकते हो। फ्रेंड्स हम लोग ने भी यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। फ्रेंड्स ये हमारी लास्ट एक्टिविटी थी, तो फ्रेंड्स हम लोग ने डिसीजन लिया कि अब हमें रिटर्न चलना चाहिए और हम लोग घर के लिए निकल गए।
तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो।